दोस्तों फैब डुप्लेसिस ने मारा 116 मीटर लंबा छक्का तो विराट कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आरसीबी और लखनऊ के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा था। खेले गए इस मुकाबले में विराट कोहली तूफानी बल्लेबाजी करके आउट हो गए, लेकिन कप्तान डुप्लेसिस एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। शुरुआत में तो वो धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद इस खिलाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई की गेंद पर उन्होंने ऐसा छक्का लगा दिया कि गेंद दोबारा मिल ही नहीं पाई। जी हां दोस्तों, एम सिन्हा स्वामी स्टेडियम में डुप्लेसिस का 116 मीटर लंबा छक्का देखकर हर एक इंसान दंग रह गया। प्लेसिस ने एक के बाद एक दो छक्के लगाए थे और पहला छक्का उनका 116 मीटर का था, जिसे देखकर विराट कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। किंग कोहली को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार प्लेसिस ने ये किया कैसे। दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल भी उनके छक्के को देखकर बेहद हैरान नजर आ रहे थे। दोस्तों डुप्लेसिस ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते अपना तूफानी और शतक भी पूरा कर लिया। तो दोस्तों अब डुप्लेसिस के इस छक्के को आप 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्रिकेट की ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।